हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे रेस्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कशन किया था कैसे हम अल्कोहल को अल्किन से प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमेरिकुलेशन, डिमेरिकुलेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ प्राइमरी अमीन। तो नाइट्रस एसिड को प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करके कैसे हम अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, देखो ये है हमारा नाइट्रस एसिड, क्या है HNO2, शॉर्ट ट्रिक देखो R, ये N, ये हो गया H2। ठीक है, देन हम कैसे लिखेंगे HONO। ठीक है, ये दोनों मिलके हमारा अल्कोहल हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं HONO। ठीक है, देन आर एन एच टू देखो कैसे करना, ये है अमीन प्राइमरी अमीन, ये है हमारा नाइट्रस एसिड। प्राइमरी अमीन का अल्काइल ग्रुप लेना और नाइट्रस एसिड का OH लेना, बस हो गया। देखो जैसे C2H5NH2 प्लस HNO2, क्या बोला मैंने, प्राइमरी अमीन का अल्काइल ग्रुप लेना C2H5HNO2 से OH ले लेना, हो गया हमारा प्यारा सा अल्कोहल एंड नाइट्रोजन बन के फिर किना उड़ जाएगा। ठीक है, देन लैबोरेटरी सिंथेसिस प्रिपेरेशन ऑफ फिनॉल। लैबोरेटरी सिंथेसिस क्या है, इसको HONO के साथ रिएक्शन कराएंगे, देन फिर CO2 CO प्लस HO माइनस। ठीक है, ये हमारा फिनॉल होगा जब एनिलीन को ऐसे ट्रीट कराएंगे। अदर मेथड क्या है, हम एनिलीन को NaNH2SO4 CuO CO2 प्लस HO देंगे तो हमें फिनॉल मिलेगा। ठीक है, आया समझ में। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के NaOH एंड हाई प्रेशर में जब रिएक्शन करेंगे ये क्या होगा, सोडियम फिनोक्साइड, देन इसको जब हम एसिडिक वर्कअप करेंगे हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। ये हमने रिएक्शन ऑफ हालो बेंजीन में, हालो आरिन में देख के आ रहे हैं अभी अभी। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। देन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये क्या, ये भी हमने देखा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब NaOH के साथ ट्रीट करेंगे सोडियम फिनोक्साइड प्रिपेयर होगा, फिर इसको जब एसिडिक वर्कअप करेंगे हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। देख लो, सोडियम बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज मेल्टेड विद NaOH टू प्रोड्यूस हमारा क्या होगा, सोडियम फिनोक्साइड एसिडिफिकेशन देन यील्ड अल्कोहल। पहले तो सोडियम फिनोक्साइड होगा और सोडियम फिनोक्साइड कैसे अल्कोहल प्रिपेयर होता है तो ये तो हमें अच्छे से पता है, उसको एसिडिक वर्कअप कर देंगे हमें मिल जाएगा हमारा मनचाहे प्रोडक्ट। मनचाहे प्रोडक्ट क्या है हमारा, फिनॉल। देन फ्रॉम क्यूमिन, देखो पहले इसको हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, प्रोपीन के साथ H3PO4 के प्रेजेंस में हमें क्यूमिन मिलेगा, देन इसको O3 रिएक्शन करेंगे, ये वाला एक एडिशन कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, देन इसको जब हम एसिडिक वर्कअप करेंगे हमें क्या मिलेगा, एंड में हमें फिनॉल मिलेगा। तो पहले बेंजीन को इसके साथ रिएक्शन किया H3PO4 के साथ, हमें क्यूमिन मिला, क्यूमिन के ओजोन के साथ रिएक्शन करा हमें क्यूमिन पेरोक्साइड मिला। ठीक है, पेरोक्सी लिंकेज देख लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज हमें क्या बोलते हैं, इसको OO का लिंकेज, इसको पेरोक्सी लिंकेज मिलते क्यूमिन पेरोक्साइड मिला, इसको क्या करेंगे जो एसिडिक वर्कअप करेंगे ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये OH हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। फ्रॉम डाइअजोनियम सॉल्ट, डाइअजोनियम सॉल्ट को When hydrolysis करेंगे, acidic workup करेंगे, हमें phenol मिलेगा। ठीक है, then from phenolic acid, when phenolic acid are heated with soda lime, they undergo decarboxylation to form phenol। देखो phenolic acid, ये है phenolic acid, इसको हमें पता है carboxylic acid को जब हम soda lime के साथ decarboxylation करते हैं, ठीक है, heat करते हैं, वो decarboxylate हो जाता है, हमें preparation of alkene में पड़ा था। यहाँ पे क्या करें, हमें phenolic acid ले, इसको हम soda lime NaOH and CO mixture of NaOH and CO, उसको सोडा लाइम बोल दे, उसके साथ हीट कर दिया, ये क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, हमारा हो गया हमारा फिनॉल। मतलब इससे OH को निकालना था, सॉरी COOH को निकालना था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को निकालना क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने बताया था डी लग रहा है मतलब हो जाएगा डीहैलोजिनेशन, डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, ये सब मैंने बताया था कैसे डी, जब DE लगता है ऑर्गेनिक में वो निकल रहा है। ठीक है, मतलब
हाइड्रोजन एंड हैलोजन निकल रहा है, डी क्या मतलब निकल रहा है, यहाँ पे क्या डी कार्बोसिलेशन, डी कार्बोसिलेशन मतलब कार्बोसिलिक ग्रुप निकल रहा है। कैसे निकलेगा, उसको जब हम सोडालाइन के साथ हीट करेंगे तो निकल जाएगा, बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट फिनॉल। ठीक है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में बात करेंगे अब मिथेनॉल पॉइजन। क्या सर, मिथेनॉल पॉइजनिंग? मिथेनॉल, मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल इज हाईली टॉक्सिक अल्कोहल प्रेजेंट इन प्रोडक्ट सच एज विंडशील्ड वाशर फ्लूइड्स, स्टेरेनो, पेंट स्ट्रिपर। ठीक है, ये पेंट स्ट्रिपर, विंडशील्ड वाशर फ्लूइड, इसमें प्रेजेंट रहता है मिथेनॉल जो कि हाईली टॉक्सिक होता है। मिथेनॉल इज रैपिडली एब्जॉर्ब इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन द लिवर इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्मल्डिहाइड देन फॉर्मिक एसिड, ए सब्सटेंस दैट कॉजेस न्यूसिया, सेवरल एब्डोमिनल पेन एंड ब्लड विजन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जब हमारा लिवर में जाता है, ये क्या होता है, लिवर में ऑक्सीडाइज होकर पहले फॉर्मल्डिहाइड होता है, देन हमारा ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड हो जाता है जो कि न्यूसिया, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लड विजन, मतलब क्या है, अच्छे से ब्लर हो जाएगा। ठीक है, ब्लाइंडनेस कैन ऑकर बिकॉज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय द रेटिना ऑफ द आई, एज लिटिल एज 4 ml ऑफ मिथेनॉल कैन प्रोड्यूस ब्लाइंडनेस। पहले तो ये अगर स्मॉल अमाउंट में लगे तो हमारा विजन ब्लर हो जाएगा, लेकिन हम ज्यादा ले लेंगे तो ये क्या करेगा, रेटिना को डिस्ट्रॉय कर देगा। देखो 4 ml मिथेनॉल इज एनफ टू एनफ फॉर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये रेटिना को डिस्ट्रॉय कर देगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब हम ब्लाइंड हो जाएंगे। देख लो कितना खतरनाक है मिथेनॉल। द फॉर्मिक एसिड व्हिच इज नॉट रेडिली एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी, लोएस्ट बॉडी ब्लड पीएच शुड सेवरल, दैट जस्ट 30 ml ऑफ मिथेनॉल कैन लीड टू कोमा और डेथ। क्या बात करे, देख रहे हो ये कितना खतरनाक है। अगर 30 ml ऑफ हम क्या ले लेंगे, 30 ml ऑफ मिथेनॉल ले लेंगे, ये क्या कर देगा, ये हमारा ऑक्सीडाइज होकर एंड में फॉर्मिक एसिड हो जाएगा जो कि बॉडी से एलिमिनेट नहीं होता है, और ये क्या करेगा, अल्टीमेटली कॉज करेगा कोमा एंड डेथ। ठीक है, 4 ml हमें ब्लाइंडनेस तक ले जा सकता है, 30 ml अगर हम घटक लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा इंस्टेंट डेथ हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है, वो पहले फॉर्मल्डिहाइड देन फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट में ये एब्डोमिनल पेन, ब्लड विजन, ये सब आता है। ठीक है, और क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग इन्वॉल्व्स गिविंग सोडियम बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड इन द ब्लड। इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हम अगर सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, टू न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड जो फॉर्म होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इन सम केसेस इथेनॉल इज गिविंग इंट्रावेनसल टू द पेशेंट, द एंजाइम इन द लिवर पिक अप इथेनॉल मॉलिक्यूल टू ऑक्सीडाइज इंस्टेड ऑफ मिथेनॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सम केसेस में हम इथेनॉल दे देते हैं। देखो इथेनॉल दोनों भाई भाई है, मिथेनॉल इथेनॉल, लेकिन इथेनॉल हमारे लिए अच्छा है, उसको हम इथेनॉल हैंड सैनिटाइजर में यूज कर रहे हैं, वो खतरनाक नहीं है, लेकिन मिथेनॉल खतरनाक है क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो रहा है। तो सम केसेस में क्या करते हैं, हम इथेनॉल को दे देते हैं जो कि हमारा लिवर मिथेनॉल को ऑक्सीडाइज ना करके इथेनॉल को कर देता है जो कि हार्मफुल नहीं है। ठीक है, अदरवाइज हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। दिस प्रोसेस गिव्स टाइम फॉर मिथेनॉल टू बी एलिमिनेटेड बाय द लंग्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ डेंजरस ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। मिथेनॉल ऐसे, अगर मिथेनॉल ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो डेंजरस नहीं, मिथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर जब फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड हो जाएगा तब डेंजरस है। ठीक है, तो कभी कभी क्या किया जाता है, अगर मिथेनॉल गलती से हमारा अंदर चला गया तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें इथेनॉल दे देते हैं जो कि हमारा लिवर इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करने में लग जाता है, उसी टाइम में मिथेनॉल एलिमिनेट हो जाता है विदाउट ऑक्सीडेशन। मिथेनॉल जब तक ऑक्सीडाइज नहीं हुआ तब तक ये सेफ है, हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो ये था मिथेनॉल पॉइजनिंग के बारे में। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, क्या है, कलर एंड ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी। देखते हैं कलर एंड ऑर्डर क्या है, द लोअर मेंबर्स अप टू सीट 11 आर कलरलेस मोबाइल लिक्विड, हायर मेंबर आर वैक्स लाइक सॉलिड। तो C11 तक, मतलब 1C1 से C11 तक आर कलरलेस एंड मोबाइल लिक्विड, हायर आर वैक्स लाइक सॉलिड। ठीक है, द लोअर मेंबर हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, अल्कोहलिक स्मेल एंड बॉन्डिंग टेस्ट, व्हाइल सॉलिड मेंबर्स आर ऑलमोस्ट कलरलेस एंड टेस्टलेस। तो हायर लोअर मेंबर हमारा क्या है, लिक्विड, मोबाइल लिक्विड टाइप का है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक स्मेल होता है, लेकिन हायर मेंबर का जो सॉलिड में वॉक्स लाइक सॉलिड में वो टेस्टलेस एंड कलरलेस दोनों है। अल्कोहल आर टॉक्सिक सब्सटेंस, मिथाइल अल्कोहल इज वेरी इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, व्हाइल इथाइल अल्कोहल लेस टॉक्सिक। ठीक है, जिसको इथेनॉल बोलते हैं वो लेस टॉक्सिक होता है। देन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज लेस देन H2।
डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट फॉर द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। देन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट, ये हमें पता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांचिंग जितना होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना डिक्रीज होगा, मॉलिकुलर वेट जितना इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज होगा, ठीक है। इट देखो यदि मॉलिकुलर, अगर मॉलिकुलर वेट सेम है देन बॉइलिंग पॉइंट हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। देखो ये क्या है, मॉलिकुलर वेट इंक्रीज कर रहा है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। यहां पे मॉलिकुलर वेट सेम है लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करते जा रहा है हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ओएच ग्रुप इंक्रीजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस, एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। यहां पे था टू, यहां पे वन, ये मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक, तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज कर रहा है, समझ में आ गया। देन मेल्टिंग पॉइंट, मॉलिक्यूल्स विद बेटर पैकिंग हैव हायर हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देन सॉल्युबिलिटी क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल, क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं ओइंग टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ये है हमारा मॉलिक्यूलर वेट जितना इनके, मतलब मिथाइल ब्रांचेस जितना इंक्रीज करते जाएगा हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना जितना बड़ा चेन होगा, जितना अल्कोहल इंक्रीज करते जाएगा उतना क्या होगा उसका अल्केन चेन उतना बड़ा हो जाएगा। अल्केन चेन क्या है, वो इनसोल्युबल है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड और स्टेरिक रिपल्शन की वजह से हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी ये इफेक्ट करेगा, इसीलिए जितना बड़ा अल्केन चेन होगा उतना लेस ही हमारा अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ, अगर अल्कोहल ग्रुप इंक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, ठीक है। इथाइल अल्कोहल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर फ्रॉम इथिलीन बाय परमैंगनेट ऑक्सीडेशन कैटल एब्जॉर्बिंग इन सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, दिस अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, देखो एक है CH3 CH CH2OH कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, देखते हैं पहला क्या है H, ये फॉर्मल लिग्नान रिएजेंट क्या है CH3, ये क्या है CH3 होल टू CH CH2OH, अच्छा ये क्या है CH3 होल टू CH CH2, मैंने बोला था क्या MgX, मैंने बोला था अगर किसी ने नहीं देखा है वो वाला वीडियो प्रिपेरेशन ऑफ अल्कोहल का जाके देख लीजिएगा, मैंने क्या बोला था भाई लिग्नान रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है उसको सिर्फ यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन में अटैच कर देना और ये डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ पे OH अटैच कर देना, तो क्या हो जाएगा ये CH3 होल टू CH CH2, ये क्या हो जाएगा CH2OH 1 2 1, ओके। तो ये तो ये हुआ CH3 होल टू CH CH2OH, ये कितना हो गया, रुको रुको एक मिनट, CH3 होल टू CH CH2 देन यहां पे फिर था ना, ये क्या हो जाएगा C हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH, अरे ये तो नहीं हो रहा, अरे ये तो नहीं हो रहा है, हाँ जी सर ये ही नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है। कीटन अपॉन ट्रीटमेंट विथ लिग्नान रिएजेंट क्या देगा, टॉर्शियल अल्कोहल, देखो ये है कीटन, मैंने बोला था एडीएस एमजीएक्स, बस इसको लाके यहाँ पे ऐड कर देना, ये बॉन्ड हो जाएगा यहाँ OH हो जाएगा, देखो सी ए आर डैस आर OH, ठीक है। देन कार्बोलिक एसिड इज फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, फिनॉल इज कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के साथ। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।